पीपल आर। मैंने वेक्टर्स का थोड़ा बहुत किया था, लेकिन मैं फिर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर्स अभी आप जैसे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन था या थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज था वेक्टर्स के बारे में टिल 10th स्टैंडर्ड वर्स बेसिकली स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी विच विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी विच विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, प्योर स्केलर क्वांटिटी है, उसी जगह पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आप देखोगे स्पीड, एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आप देखोगे यू नो वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट वेक्टर्स हियर पीपल। सो लेट अस लर्न अबाउट वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट वी हैव। कि वेक्टर्स पहली बात होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एंड व्हाट इज हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम, ठीक है। तो वेक्टर्स, टू स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट अस रिवाइज सम टर्म्स। ये सब आप 10th में सीख चुके हैं, बट जस्ट यू नो क्विक रिविजन ऑफ दीज टर्म्स, सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जैसे आपका वेट है, लेंथ है, हाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, अरे रे 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 रे, तो बताइए इसमें से कौन बता सकता है क्या क्या क्वांटिटीज हैं। जस्ट अ रिकैप, बताओ हाइट क्या हो जाएगी वेक्टर की, स्केलर। तुम अगर सोए हुए हो तो तुम्हारी हाइट वही रहेगी, तुम अगर खड़े हुए हो तो भी तुम्हारी हाइट वही रहेगी, तुम अगर ऐसे नीज को बेंड कर रहे हो, कोई पीटी कर रहे हो, तो भी तुम्हारी हाइट वही रहेगी। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ योर बॉडी, ओके, इट इज योर हेड हाइट। तुम सोए हुए हो, लेटे हुए हो, सिकड़े हुए हो, कैसा भी हो, तुम्हारा हाइट तो वही रहेगा ना, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट दिस विल बी पीपल आर, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल लेंथ है भाई साहब, ठीक है। लेंथ भी क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर इसका लेंथ लूं, तो दिस इज व्हाट लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा। देखो इसको मैंने ऐसे रखा, अभी इसको घुमाकर ऐसे रख दिया, क्या इसका लेंथ चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन लेंथ जो चेंज नहीं हुआ। तो लेंथ इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट पीपल आर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए टेम्परेचर बताओ भाई साहब, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन होता है क्या? टेम्परेचर डजंट हैव एनी डायरेक्शन। आपके बॉडी का टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन होगा क्या? नहीं ना, ठीक है। वॉट एवर इज अ टेम्परेचर, किसी भी चीज के टेम्परेचर का कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकता। सो इट इज ऑल्सो वॉट अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ मुझे वेट क्या होगा, वॉट विल बी वेट? वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। वेट क्या है? इट इज बेसिकली अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ये हो जाएगा वेट। जैसे हम फोर्स बोलते हैं तो फोर्स में डायरेक्शन होगा भाई साहब। देखो समझ लो, ये पेन को जैसे मैंने छोड़ा, नीचे गया, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ द फोर्स विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये ऊपर नहीं गया भाई साहब, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज कमिंग अलॉन्ग विथ अ डायरेक्शन, ठीक है। प्रेशर बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू, पढ़ा है ना आपने, देखो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मुझे बताओ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, एरिया तो स्केलर है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आंसर ही आएगा, ठीक है। सो प्रेशर विल ऑल्सो बी अ वेक्टर, ठीक है। ओके, डू यू नो व्हाट दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? ठीक है, यस एग्जैक्टली, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एनी मेजरेबल क्वांटिटी पीपल, एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप बेसिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय मींस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, बाय एनी क्वांटिटी, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप अपने थॉट्स को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। आप अपने इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। फीलिंग्स को मेजर नहीं किया जा सकता, बट ऑल अदर क्वांटिटीज विच विथ विच विद द हेल्प ऑफ विच वी आई मीन
all other quantities can be measured with the help of any instrument that is known as a physical quantity. ठीक है, okay. So measurable quantities क्या क्या हो जाएंगी बोलो. Length एक measurable quantity है. Mass the quantity of matter contained in a body. Velocity किस speed से वो move कर रहा है. Temperature उसका temperature क्या है. Area एक body का area क्या है. वॉल्यूम क्या है. डेंसिटी क्या है इस बॉडी की. ऑल दीज आर व्हाट पीपल आर मेजरेबल क्वांटिटीज. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल, देयर इज सम मिसहैप गोइंग. ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट पीपल मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकें. ऑल दीज कैन बी फिजिकली मेजर. ठीक है, तो उनको बोलेंगे भाई साहब फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नोन एज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आपकी क्या क्या हो जाएंगी बोलो. अफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, पेन, ये सब. आप कितने भूखे हैं कोई बता सकता है क्या, आप कितने भूखे हैं. आप बोलेंगे बहुत भूखे हैं. बहुत मतलब कितना, कितने सेंटीमीटर भूखे हैं, कितने इंचेस भूखे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप. नहीं, ठीक है. यू फील अ पेन, यू फील लव, यू फील एंग्री, यू फील अफेक्शन फॉर समबडी, दीज ऑल कैन नॉट बी मेजर्ड. इसका कोई मेजरेबल स्केल नहीं होता है. दीज आर ह्यूमन इमोशंस. ठीक है, यू कैन से दैट आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ. ओके, हाउ मच एंग्री आर यू. ठीक है, बता सकते हैं आप स्केल पे, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, राइट. सो यू कैन नॉट. ओके, सो दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक हो जाएगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और भाई साहब दूसरी होगी डिराइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेन होती है. ठीक है, और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो उससे आप डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, एक इंसान है, उसको अगर आपने कपड़े पहना दिए तो वो हो गया डिराइव. ठीक है, वो कपड़े जो है उसके साइज के हिसाब से होंगे, तो दैट विल बी अ डिराइव. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर व्हाट, जैसे 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 आपका लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है, लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे बोलो, मीटर में. ठीक है, डिराइव क्वांटिटी का मैं एग्जांपल दे रहा हूं. एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. सिंपल मतलब आप लेंथ इनटू लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ भी बोल सकते हैं ना भाई साहब, एक ही बात होगी. तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, दिस विल बी अ डिराइव क्वांटिटी. समझ में आ रहा है, ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी. इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा एरिया. सो एरिया विल बी अ डिराइव क्वांटिटी, मतलब इस फंडामेंटल क्वांटिटी की इजाद है ये. ठीक है, इट इज बेसिकली गेटिंग इवॉल्व फ्रॉम दिस, इट इज गेटिंग इवॉल्व फ्रॉम दिस. ठीक है, जैसे जैसे अगर आप देखो भाई साहब आपका मास क्या होता है, मास को आप किस में मेजर करते हैं, केजी में. ठीक है, आप ले लो भाई साहब डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो, आपका मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज केजी पर मीटर क्यूबिक. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, अगर आप भाई साहब लेंथ एम ले रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा बोलो, वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जिसको हम मीटर क्यूबिक लेंगे. सो दिस विल आल्सो बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है, जब एक सिंगल क्वांटिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. जब उस क्वांटिटी में बहुत सारे क्वांटिटीज और भी जुड़ जाते हैं, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटीज का जब मिश्रण हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, आपका क्या हो गया, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ठीक है, to understand about scalars and vectors, first let us understand about the terms magnitude and direction of a physical quantity. bhai sahab agar koi physical quantity hai to zaruri nahi hai ki uska direction bhi ho. theek hai, magnitude to hona hi hona hai. kisi bhi physical quantity ka minimum kya cheez hoga, any physical quantity what will be the minimum thing that it will have, magnitude. theek hai, lekin magnitude ke sath direction hoga ki nahi ye tay nahi hai. ठीक है, whenever magnitude is coming along with direction, it will be a vector. Whenever we are just talking about magnitude, it will be purely scalar. Are we clear on this one, people? So let us first understand the term magnitude. So countable or measurable, ऐसा कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. ठीक है, मतलब countable और measurable, दो units, तीन units, चार units, पांच units, 0.5 units, 1/3 units, all these are measurable quantities and hence they are countable or measurable. ठीक है, तो magnitude हम उसको बोलते हैं जो countable हो और जो भाई साहब हो आपका measurable. ठीक है, express in terms of number and specified unit, ये magnitude को हम number में express करते हैं. examples 10 kg, तो 10 हो गया भाई साहब आपका, ये 10 kg है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड. ठीक है, 8 न्यूटन, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड. ठीक है, हियर 10 इज द नंबर एंड kg इज द यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड के भाई साहब दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक हो गया उसका यूनिट. ठीक है, और एक हो गया उसका क्वांटिटी. क्या ये समझ में आ रहा है,
तो इसीलिए हम कैसे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, न्यूमेरिकल पार्ट इंटू यूनिट पार्ट, एन इंटू यू, ये याद रखिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो आपका मैग्नीट्यूड है उसको हम दो चीजों में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर एंड यूनिट पार्ट। सो जैसे ये हो गया आपका नंबर पार्ट एंड दिस इज द यूनिट पार्ट, नंबर पार्ट यूनिट पार्ट, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल आर समझ में आ रहा है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड यूनिट, एन यू। आर बी क्लियर, क्लियर, क्लियर। और ये जो एन यू का चक्कर है भाई साहब, तो होता क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, मैं आपको बता दूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आपका एन वन यू वन विल बी इक्वल टू एन टू यू टू will be equal to n3 u3 and so on and so forth. So let's see what is this. ठीक है, जैसे जैसे मैं अगर बोलूं आपको 1 kg, ठीक है 1 kg, इसका यूनिट क्या दिख रहा है आपको, kg, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं ग्राम्स तो बताओ क्या होगा, 1000, ठीक है। सो अभी देखो ये n, ये था आपका क्या n1 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका n2, ये था आपका क्या u1 और ये था आपका u2, क्या ये दोनों बराबर है? Yes they are. Yes, they are very much expressible each other, ठीक है? अगर मैं बोलूं 1 kilometer, ठीक है? इसको मैं meters में express करता हूं, तो कितना हो जाएगा बोलो? 1000 meter. This is your N1, this is your N2, this is your U1 and this is your U2, ठीक है? Clear है? अभी मुझे अगर इसको centimeters में express करना है, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं ना आपको, N1 U1 will be equal to N2 U2 will be equal to N3 U3. सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे भाई साहब, 1 meter वी नो इज हाउ मच, 100 centimeters, तो भाई साहब 1000 meter कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 centimeters, ठीक है। तो ये हो गया आपका N3, ये हो गया आपका U3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो यही चक्कर है, ठीक है। N1 U1 को इजीली यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ N2 U2 एंड देन N3 U3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब मैग्नीट्यूड का पार्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? बहुत बढ़िया। लेट अस अंडरस्टैंड अ स्केलर क्वांटिटी विद एन एग्जांपल। सो जैसे अगर आप देखोगे ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइबर टावर्स एंड कुकुटापल्ली, कहां दिख रहा है भाई साहब, साइबर टावर्स एंड कुकुटापल्ली। सो हियर देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं भाई साहब, तो इस पाथ की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये टर ऐसे जा रहा है, देखो ये आपका जा रहा है भाई साहब, ये पाथ। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। डिस्टेंस भाई साहब ऐसे ऐसे जाओ या ऐसे ऐसे, जैसे आपका रोड अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर इज बेसिकली द यूनिट। तो आप जैसे ही देखो, अगर मैं बोलूं मेरी मेरे और आदित्य के घर के बीच में डिस्टेंस 10 का है, 10 क्या मीटर, किलोमीटर क्या है, तो जैसे ही मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर, तो आपके माइंड में मतलब एक रफ आइडिया हो जाएगा कितना दूर है ना, समझ में आ रही है। अगर आपकी आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई साहब मतलब दुकान से 1 liter दूध लेकर आओ, तो आप वैसा ही एक थैला लेंगे ना, मतलब अगर वो तो इतना, अगर बोला जाए 5 liter दूध लेने आए, तो वैसा ही एक थैला लेकर जाएंगे घर से। आप इमेजिन कर रहे हैं ना इसको, आप उस यूनिट को और उस मैग्नीट्यूड को कोरिलेट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक अ बैग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम किसी मैग्नीट्यूड के साथ किसी यूनिट को स्पेसिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली योर माइंड मेक्स कैलकुलेशंस एज पर द एक्सपीरियंस दैट यू हैव कोरिलेटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी एंड टू द यूनिट एज वेल। क्लियर है? ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाई मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिटरमिन होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके, बट वी डिड नॉट स्पीक अबाउट डिरेक्शन। ओके, सो अगर हम डिरेक्शन की बात करें, ये आपका देखो डिरेक्शन, आपको मालूम ही है, आपने मोबाइल में भी देखा रहेगा, ये ऐप रहता है ये आपका, आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सारे डिरेक्शन, पहले तो हम कंपास नीडल यूज करते थे, आज की तारीख में तो मोबाइल में ही ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो यू कैन वेरी वेल डिटर्मिन द डिरेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर क्वांटिटी विद एन एग्जाम्पल। वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन साइबर पावर्स एंड कुकुटापल्ली? तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल रूल बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी एंड फाइनल पोजिशंस डिस्टेंस पोजिशंस ऑफ द बॉडी।
ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, क्लियर है? क्या हो गया? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट. जरूरी नहीं कि आप ऐसे जाएं, हो सकता है ये जो आप ये रास्ता नहीं है यहाँ पे, हो सकता है जंगल हो, या हो सकता है कोई खाड़ी हो, या हो सकता है पानी हो, जो भी है डायरेक्ट रास्ता नहीं मिल पा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? बिटवीन साइबर टावर्स एंड कुकुटापल्ली, दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट. एंड ऑल दिस पाथ दैट यू सी विच हैज बीन फोर्सिबली मेड बिकॉज ऑफ विच सर्टेन रीजंस, तो ये हो जाएगा आपका क्या डिस्टेंस. ठीक है, ओके. 10 किलोमीटर नॉर्थ. So this 10 kilometer is basically magnitude, kilometer is basically the unit and north is the direction. ठीक है, तो आपका physical quantities which are completely specified by magnitude, unit and direction are called vector quantities. तो आपका भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? अभी scalar quantities में क्या था आपका? Magnitude and unit, है ना भाई? Magnitude and unit. Vector quantities में क्या है? Magnitude, unit and direction. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन. 10 किलोमीटर नॉर्थ. अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन स्पेस. तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड ही होगा. सिचुएशन वेयर मैग्नीट्यूड अलोन इज सफिशियंट. सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशियंट है. जैसे मैं आपका बोलूं अगर कि भाई साहब यहां से स्कूल का डिस्टेंस 10 मीटर का है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड. दिस इज बेसिकली नोन एज स्केलर. स्केलर क्वांटिटीज जैसे हो गया आपके लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, मास, ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं. लेंथ इज बेसिकली लेंथ मतलब पिक्सल डिस्टेंस हो गया. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट. वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस एक बॉडी ऑक्यूपाई कर रहा है. टाइम मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो टेम्परेचर भी एक स्केल क्वांटिटी है. ऑल दीज आर डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज. ठीक है, ओके. हैज मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो व्हाट डू वी मीन बाय हैज मैग्नीट्यूड? वेक्टर क्वांटिटी सिचुएशन वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड. Then the quantity that you will be doing or the quantity that you will be studying would be a vector quantity. This will be a vector. Clear hai? Okay. So vector quantity is a quantity that has got both magnitude as well as direction in space. Nothing new. You have studied these things in the 10th standard. Take a just a replica of or repetition of all these things. So these are known as bhai sahab vector quantities. Take a velocity ho gaya, force ho gaya, displacement ho gaya, torque ho gaya. Take a वेलोसिटी इज बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना 5 meters per second towards north, that is called velocity. Force जैसे 10 newton towards east या 10 newton towards the earth. Displacement 10 meters towards east. ये सारे आपके भाई साहब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब देखो ऐसा फोर्स होता है. समझ लो ये बॉडी है, ठीक है. सीसॉ देखा है ना? सीसॉ तो वैसा ही फोर्स है. टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस करे कोई चीज जब घूम रही है तो उस पर ऑब्वियसली एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ है ना, तो ये कपल फोर्स लग रहा है इसको. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड टॉर्क. यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन चैप्टर्स लाइक रोटेशनल मोशन एंड ऑल. ठीक है, तो टॉर्क भी आपका एक डायरेक्शन वाला फोर्स है. देखो इस बॉडी को अगर मैं सिर्फ ऐसे ही फोर्स लगाऊं तो ये नीचे जाएगा, अगर ऐसे फोर्स लगाऊं तो ऊपर जाएगा, अगर ऐसे फोर्स लगाऊं तो साइड में जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊं इसको तो ये घूमेगा. दैट इज कॉल्ड टॉर्क. क्लियर है? ओके, लेट अस रिवाइज व्हाट स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर. मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भाई साहब स्केलर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन. तो इन स्केलर्स वी विल हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर्स वी विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? स्केलर्स में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, चलिए भाई साहब चलते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए टू बी. तो आपका देखो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसा है? देखो समझ लो, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में बड़ा सा एक नाला है या बड़ी सी एक जंगल है. तो आपका कोई डायरेक्ट रोड नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? ए से बी के लिए पहुंचने के लिए ऐसे जा रहे हैं या भाई साहब ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? यू हैव टू गो इस वे. डायरेक्ट कोई रोड नहीं है, बीच में कोई बिल्डिंग है या बीच में कोई स्कूल है या बीच में कोई मैदान है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, सो एनीथिंग कैन हैपन. ये आपका हो गया भाई साहब डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. एज आई सेड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पाथ यू हैव चोजन. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वेदर दैट पाथ इज ट्रेवर्सेबल और नॉट, उस रस्ते पे आप जा सके या ना जा सके,
ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एंड हर समय किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मुंडी में ये एरो होगा. ये एरो उसका डायरेक्शन नहीं है, हो सकता है कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अगर समझ लो ऐसा है तो आप इसको ऐसे नहीं डिरेक्ट कर देना, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो ये जो मुंडी है इसका डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द एक्चुअल वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स. एक्चुअल वेक्टर किस डायरेक्शन में उससे मैटर नहीं करता है, आपके इस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो मुंडी होगी दैट विल ऑलवेज बी इंडिकेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, अच्छा हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को हम क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नीट्यूड हैज व्हाट क्वांटिटीज? अरे अभी तो पढ़ा, मैग्नीट्यूड में क्या क्या होगा? नंबर एंड द यूनिट, राइट, नंबर एंड द यूनिट. तो अगर समझ लो मैं बोल रहा हूं ऐसे 5 meter towards south, ठीक है, towards south, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपका वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको अगर मैं मॉड में लूं, दिस इज कॉल्ड मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ अ वेक्टर. तो मॉड में जैसे ही लेते हैं हम यहां पे सिर्फ 5 meter लिखेंगे, इसमें हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है. ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर आप -3 को मॉड में लिखते हैं तो ये बाहर आ जाता है 3, ठीक है. तो उसी तरह से किसी वेक्टर को जब आप मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन द मॉड फॉर्मेट, यू आर ओनली गोइंग टू गेट इट्स आउटपुट एज मैग्नीट्यूड. सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? दिस विल बी जस्ट एस. ठीक है, और हम यहां पर बोल सकते हैं सिर्फ ए बी, मतलब देखो ये मुंडी ये हट गया ना, ये जो साइन है ये हट गया, मतलब ये क्या हो गया? स्केलर हो गया. ठीक है, तो मॉड ऑफ एनी वेक्टर, लेट्स से एनी वेक्टर, इसको आप क्या लिखोगे? वी. ठीक है, सो मॉड ऑफ एनी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड ओनली विथ नो रेफरेंस टू डायरेक्शन. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके. नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स, कंसीडर ए बी एंड सी डी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो आपका ए बी एक वेक्टर हो गया, सी डी एक वेक्टर हो गया, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन भी है. चलिए, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू. ए बी इज इक्वल टू सी डी, या हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? P is equal to Q. Two or more vectors having the same magnitude and the same direction irrespectively of their positions in space are called equal vectors. देखो, space में कोई भी position, ये यहां पे है, ये भाई साहब यहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अगर इनका लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, दीज आर इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, सो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, 10 मीटर के दोनों हैं, 10 मीटर पर सेकंड दोनों का मैग्नीट्यूड है, 4 न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड है, ऐसा कुछ हुआ तो, एंड सेम डायरेक्शन, दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस इन स्पेस, फर्क नहीं पड़ता कहां पे हैं वो, अगर ये यहां पे है यहां पे है, लेकिन दोनों आपके इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स विल हैव, इक्वल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? इक्वल वेक्टर्स का क्या हो जाएगा बोलो? सेम मैग्नीट्यूड एंड भाई साहब क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके. सो दीज आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. ऑपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एक वेक्टर भाई साहब गया ऐसे, ठीक है, दूसरा वेक्टर गया ऐसे, तो इसको हम लिखेंगे -a. समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये ए है तो ये -a हो जाएगा. ठीक है, सो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ऑपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब पूरे पूरे पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल तो है लेकिन एक एक डायरेक्शन में, दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, सो ए बी का भाई साहब हो गया सी डी, तो ये हो गया आपका क्यू.
So AB is equal to minus CD or P is equal to minus Q. Any two vectors of same type which are equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction, are called opposite or negative vectors. Okay? Any two vectors of the same type which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vectors. Okay? Unit vectors kya ho jayenge? Vector having unit magnitude in a given direction is called a unit vector. Okay? Abhi is cheez ko samjho, dhyan se dekhna. Okay? Okay. Jaise samjho, humne yahan pe sirf ek plane banaya. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. ठीक है, लेट से 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया. ठीक है, यहाँ पे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. ठीक है, अगेन दिस विल बी माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4. अभी समझ लो हमने z एक्सिस ले लिया है, z एक्सिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे. ठीक है, इधर हो गया प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, 1, 2, 3, 4, 5, एंड लेट्स से दिस वन इज माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड सो ऑन. अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी है जो चल रहा है, लेट्स से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भाई साहब चल रहा है, और कहां तक पहुंचा, एक्स एक्सिस में 3 तक पहुंचा. ठीक है, तो इसके मूवमेंट को देखो, हम यूनिट वेक्टर्स मतलब कैसा होता है देखो, जैसे एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं हम j कैप, और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं हम k कैप. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू अप्लाई दिस. सो लेट्स से यू हैव अ वेक्टर, और लेट्स से अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस, एंड अलोंग द x एक्सिस इट हैज ट्रैवल्ड अप टू 3 यूनिट्स. ठीक है, तो आपका भाई साहब यूनिट वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी विल बी 3 i कैप. ये हो जाएगा 3 i कैप. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, देखो वेक्टर, दिस इज बेसिकली द वेक्टर, ये क्या हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये क्या हो गया बोलो, यूनिट वेक्टर कैप जिसको हम लिखते हैं. ठीक है, सो अ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट, सॉरी आपका मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. ठीक है, ये एक वेक्टर है, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर, this is equal to magnitude into unit vector. So ये हो गया आपका vector, this will be equal to magnitude into unit vector. जैसे अभी हमने क्या लिखा, displacement vector is equal to magnitude कितना था यहाँ पे 3, और unit vector in the direction that will be 3 i cap. Clear है, समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर मुझे unit vector को represent करना रहे, तो unit vector क्या हो जाएगा, the vector itself upon its magnitude, the vector itself upon its magnitude. अभी देखो vector क्या है यहाँ पे, अभी देखो इसमें वेक्टर क्या है, 3 i कैप है, अपॉन मैग्नीट्यूड कर देंगे तो 3, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बोलो i कैप. तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, अलोंग x एक्सिस द यूनिट वेक्टर हैज अ वैल्यू ऑफ i कैप, सिमिलरली अलोंग द y एक्सिस द यूनिट वेक्टर हैज वैल्यू y कैप, एंड अलोंग माइनस 3 i कैप में बताता हूं. ठीक है, ये समझ में आ रहा है पहले? ठीक है, अगर माइनस 3 i कैप होगा तो देखो इधर चले बॉडी, इधर चलिए, द बॉडी हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव किया है, तो इसीलिए बॉडी का क्या हो जाएगा, माइनस 3 i कैप. तो ये हो गया आपका वेक्टर. ठीक है, दिस विल बी द वेक्टर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल्स? हाँ, मोड आने का माइनस की वजह से ना, हाँ, उसका भी है, ये मोड में निकला नहीं है. देखो माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3 मतलब इस डायरेक्शन में, ये जो माइनस वाला डायरेक्शन है ना, ये आई कैप का है, 3 का नहीं है. देखो ध्यान दो यहां पे, व्हाट इज आस्किंग इज कि अभी तो आपने बताया कि भाई साहब मॉड में तो वैल्यू निकल जाएगी माइनस की, ये जो माइनस 3 आ रहा है ना, ये एक्चुअली ये है 3 इंटू माइनस आई है, तो ये मॉड अभी भी 3 है. समझ में आ रहा है? माइनस 3 आई हम लिख रहे हैं यहां पे, लेकिन अब ये वाला इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा प्लस आई कैप. द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप, द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी प्लस आई कैप, द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी जे कैप, एंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी माइनस जे कैप, द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी के कैप, एंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन विल बी माइनस के कैप. इज समथिंग बॉदरिंग यू? यू आर नॉट अटेंटिव. तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप, ये हो गया आपका प्लस के कैप. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका जो ये डायरेक्शन है,
ये जो माइनस आया है ये मैग्नीट्यूड का वाला माइनस नहीं है, ये यूनिट वेक्टर वाला माइनस है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ठीक है, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे. सो कंसीडर अ वेक्टर ए. अगर हम यहां पे ए यूनिट वेक्टर इज गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ठीक है, अ यूनिट वेक्टर जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो अगर कोई आपका वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, दैट इज ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड इनटू दिस, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज बेसिकली व्हाट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर ये हो गया आपका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. क्लियर है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. क्लियर है? आर यू क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वही हुआ ना, देखो यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज द गिवन वेक्टर, दैट इज द गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. क्लियर है? ओके, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव होना उसके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं होता है, उसके यूनिट वेक्टर की वजह से होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप. तो कोई भी वेक्टर, अभी तक देखो आपने आई जे और के कैप का किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आई जे के कैप में ही हो, कोई भी डायरेक्शन में. मैं बोल रहा हूं बस अब ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का यहां पे यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना है? ए कैप है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं समझो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 कोई बॉडी यहां तक गई, तो अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इस वेक्टर का वैल्यू? 5 ए कैप. सिंपल है. ठीक है, 5 ए कैप. ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप. आई यूनिट वेक्टर इज द गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. ए कैप विल बी इक्वल टू द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कंसीडर अ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम. तो आपका देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम्स हो गए. तो आपका आई रिप्रेजेंट्स, आई कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड सिमिलरली आपका जे कैप रिप्रेजेंट्स, जे कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड के कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस. ये सारे आपके यूनिट वेक्टर्स होंगे अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, हम यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन देखेंगे. सो लेट्स से पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर. जैसे समझो यहां पे अगर मैं बोलूं 5i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब ये होगा कि आपने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया हुआ है. ठीक है, आई कैप मतलब x पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका भाई साहब यहां तक क्या हो जाएगा? 5i कैप. ठीक है, और j कैप मतलब 3 यूनिट्स अलोंग द y डायरेक्शन, तो ये हो गया 3. ठीक है, तो मतलब आपका इधर हो गया 3j कैप. ठीक है, तो इन दोनों का भाई साहब कहां पे एक्सेस हो रहा है? ये, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर. दिस विल बी बेसिकली द पोजीशन वेक्टर. अभी मैं यहां पे क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसका मतलब क्या है? ये समझ लो O है और ये 0, 0 है. दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O. तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी 5i प्लस 3j. अब समझिए यहां पे इसका क्या होगा? 0 और ये 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5i माइनस 0 प्लस 3j माइनस 0. ठीक है, तो 5i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? पीपल साइंस इज गोइंग टू बी टफ. अगर आपका पहले से ही माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग है तो दिस वुड नॉट बी योर कप ऑफ टी. आई एम टेलिंग यू, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं. पीपल गिव अप ईयर इन द मिडिल पाथ और लास्ट में गिव अप करके कोई फायदा नहीं है. आप अभी से सोचिए इसको आप कोप अप कर पाएंगे या नहीं, बहुत जरूरी है. ठीक है, बी स्ट्रांग, यू विल बी एबल टू कोप अप विद इट. आपको रेगुलर उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, रेगुलर नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे, रेगुलर असाइनमेंट्स करना पड़ेगा, आपका नया पार हो जाएगा. अगर उसमें आप रेगुलर नहीं रहेंगे देन डामाडोल होगा. ये शादी, वो कार्यक्रम, इधर लीव उधर लीव, वो डामाडोल होता ही रहेगा. यू विल नेवर बी एबल टू हैव अ कंसोलिडेटेड होल्ड ऑन दिस टॉपिक, नीदर इन फिजिक्स नीदर इन. आप पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, नीट की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो,
फंडामेंटल ये है कि तैयारी करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, यही फंडामेंटल है। तो साइंस बहुत हार्ड है ऐसा नहीं है, हमारे एफर्ट्स में कमी है ये जरूर सच है। साइंस हार्ड नहीं है, कोई भी करिकुलम हार्ड नहीं है, आपका वो डिमांड है भाई साहब, वो सब्जेक्ट का डिमांड ही है। आपको क्या लगता है कि कोई प्लेयर अगर वो खेल रहा होगा, आईपीएल खेल रहा होगा, वो ऐसे ही बन गया क्या? नहीं ना, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिहाइंड दैट, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड दैट। आज वो चांदी देख रहा है लेकिन उसके पीछे भाई साहब मेहनत किया है उसने। तो आपको भी ये रेगुलरली करना पड़ेगा। इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट, देखिए एक दो दिन का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एक दो घंटों का इधर उधर माइंड हो सकता है, बट आई थिंक दैट शुड बी सफिशियंट एनफ। उसके बाद आपको यू विल हैव टू बी बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। और देखिए साइंस का जो एक एस्पेक्ट होता है टेंथ के पहले, थोड़ा सा वंडर एस्पेक्ट होता है ना, मतलब अच्छा ये तारे, ये चांद, ये सितारे, वो वाओ, ऐसा वाओ वाला फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी साइंस आपका कोई वाओ फैक्टर नहीं होगा भाई साहब, सिंपल कैलकुलेशन पे आएंगे आप, हर चीज़ पे आप कैलकुलेशन पे आएंगे। द वाओ फैक्टर इज गोइंग टू डाई आउट, द क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू डाई आउट, इट इज गोइंग टू बी सुपर बोरिंग अ जर्नी। आई एम बेसिकली मेकिंग दिस वेरी क्लियर टू यू एट द स्टार्ट इटसेल्फ, ये होगा। और इसके लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, इसी जर्नी को आप इंटरेस्टिंग बनाकर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट ले सकते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये पूरा दारंदार आप पे है। आईआईटी नीट लोग बाद में क्या करेंगे, जितना पहले यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर हम हारने लगे तो, जैसे कुछ लोग मेरे से कुछ दिन पूछ रहे थे कि नहीं आईआईटी नहीं हो पाएगा शायद, एमएससीटी के लिए ही हम मिलाएं, अभी से क्यों ऐसा सोच रहे हैं यार, ये तो शुरुआती तौर है, ठीक है। हो सकता है आप अगर दो साल बाद पढ़ने के बाद ये बात बोलें तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपकी तैयारी में कोई खामी रह गई होगी या आपने उतने जुनून से तैयारी नहीं की हुई। दिस इज जस्ट द स्टार्ट, योर एम्स शुड ऑल द मोर बी हायर कि हाँ भाई ये तो क्रैक करना ही है। एंड इट इज़ इजिबल, फीजिबल, पीपल डू इट विन टू ईयर्स। पहले अटेम्प्ट में आप देखोगे ज़्यादा करके आईआईटी और नीट में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं दे आर नॉट फ्रॉम डॉपर्स बैच, मोस्ट ऑफ देम 80-90% ऑफ द क्राउड आर फ्रॉम द सेम ईयर जिसने ट्वेल्थ दिया है। 80-90% क्राउड कैसे कर रहे हैं ये लोग, उन्होंने शुरुआती तौर से तैयारी की है। लोग 9th से चालू कर देते हैं भाई साहब आईआईटी नीट की तैयारी, इफ यू लुक एट फाउंडेशन कोर्सेज दे आर दैट ओनली, 9th-8th से तैयारी करते हैं। सो तैयारी जितनी जल्दी आप कर सके और जितनी इंटेंसिटी से कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजिशन वेक्टर। तो हम इसको पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे मैंने आपको इसके पहले दिखाया कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज व्हाट, 5i cap + 3j cap, 5i cap + 3j cap, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जर्नी बोरिंग इसलिए हो जाती है, जैसे आप अगर आईपीएल देखते रहेंगे, एक प्लेयर ने 6 मारा पूरा स्टेडियम उसको चेयर अप कर रहा है ना, बड़ा काम है। किसी फास्ट बॉलर को हिट किया, किसी स्पिनर को हिट किया, इतने सारे प्रेशर में उसने एक 6 मारा, सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, सब लोग मतलब उसको चेयर अप कर रहे हैं। अगर आप कोई घर के कोने में बैठकर किसी आईआईटी या नीट का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अगर आपने कर लिया तो। बट वुड यू गेट अ चेयर अप फॉर फ्रॉम सराउंडिंग्स? नो, ऑब्वियसली नॉट, कोई आपको चेयर अप नहीं करेगा। तो ये एक फैक्टर है जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, या कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि आपके एडुकेशन के जर्नी में कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, आप खुद ही जाओ, अगर आप समझ लो गली गुच्चे में ही अगर आप क्रिकेट खेल रहे होगे या बैडमिंटन खेल रहे होगे, 10 लोग और हैं, आपने एक भाई साहब 6 मार, आईपीएल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप गली कुच्चे के मैदान में एक 4 मार दोगे, 6 मार दोगे, भाई साहब पब्लिक पागल है ना, ओ आदित्य वाह वाह वाह, चिल्लम चिल्ली कंधे पे डालेंगे आपको, है ना। सो देयर इज अ कॉन्स्टेंट चीयरिंग दैट हैपेंस इन स्पोर्ट्स, एंड दैट्स द रीजन पीपल आर एडिक्टेड टू स्पोर्ट्स, पीपल गेट वेरी इंक्लाइन टू स्पोर्ट्स बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दैट हैपेंस। अनफॉर्चुनेटली इन द जर्नी ऑफ एडुकेशन देयर इज नो सच मोटिवेशन, ये आपका सोलो जर्नी है। और इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप जब आईआईटी या नीट का सवाल लगा रहे हैं और एक्चुअली में उसको क्रैक कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबडी विल अंडरस्टैंड, कोई आपके लिए ताली भी नहीं बजाएगा, कोई फैमिली वाला भी आपके लिए ताली नहीं बजाएगा, है ना, पीपल हु आर अराउंड यू। सो ये जर्नी आपकी वैसे ही है, जैसा है वैसा, इसको वैसे ही निकालना है, ठीक है। सो बी फर्म अबाउट इट, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट चीयरिंग या मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। यू विल एट टाइम्स फील लो विथ एनर्जी, यू विल एट टाइम्स फील डेविएटेड फ्रॉम योर मूड्स, दीज आर थिंग्स दैट आर बाउंड टू हैपन, यू विल हैव टू बी बैक ऑन ट्रैक वंस अगेन, आपको भाई साहब फिर से रिबाउंड करना ही पड़ेगा।
देर इज नो अदर वे आउट. ठीक है, सो क्योंकि इसका जो फ्रूट्स है दैट इज समथिंग दैट ओनली यू विल बी एबल टू बेयर. आपको ही भाई साहब इसका फल मिलेगा और किसी को नहीं. अरे किधर चले गए भाई साहब, ये कहाँ थे हम भाई साहब? ये हो गया, ये हो गया, क्यों इसमें आ गया भाई साहब कोई तो? यील्ड वेक्टर हो गया था ना भाई, ओके. सो पोजिशन वेक्टर, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजिशन वेक्टर. तो जैसे ही मैंने आपको बोला 5y प्लस 3j एक वेक्टर है, आपके माइंड में ये कंपैरिजन चलना चाहिए, अच्छा 5y बोला है, 5y क्या मतलब इधर 5 और इधर 3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, उसने कितना डिस्प्लेस हुआ है? हाँ नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है सोचिए सोचिए फटाफट सोचिए. 5i कैप प्लस 3j कैप दैट इज द पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे भावा ये देखो, ये समझो समझो समझो, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 5i कैप, 1 2 3, ये गया 3j कैप, है ना भाई? पॉइंट यहां पे है, मतलब ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं ना यहां पे, तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर. सिंपल है भाई साहब, यहां पे देखो, सॉरी लेट्स से हम यहां पे 4 कर रहे हैं, 4i कैप, या चलो कर लेते हैं 5i कैप, और ये हो गया 3j कैप, है ना? तो मेरा यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना भाई साहब, ये हो जाएगा कितना, 3² + 5² होगा ना, ठीक है? तो दैट विल बी हाउ मच, 9 + 25 अंडर रूट ऑफ 34, सिंपल ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जैसा आपने आई और जे कैप देखा वैसा के कैप भी हो सकता है, आई और जे कैप के साथ आपका के कैप भी हो सकता है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? हाँ, अंडर रूट 34, आई कैप और जे कैप नो. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं उस वेक्टर की बात करूं तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे. देखो मैंने अगर वेक्टर की बात की तो वैसे ही लिखेंगे 3i कैप प्लस, सॉरी कितना था, 5i कैप, है ना, 5i कैप प्लस 3j कैप, इसको ऐसे ही लिखेंगे. इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो मतलब क्या हो जाएगा, बोलो ये वेक्टर है, ध्यान से देखो इधर, ठीक है, वेक्टर P इज इक्वल टू, अरे यार 5i कैप प्लस 3j कैप. वेक्टर P का भाई साहब निकालेंगे मैग्नीट्यूड, बताओ ये कितना होगा? अरे अभी जो निकाला, अंडर रूट 34, सिंपल अंडर रूट ऑफ 34, ठीक है, इसका अंडर रूट ऑफ 34, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजिशन वेक्टर. सो कंसीडर अ पॉइंट 2 इन स्पेस हैविंग पोजिशंस 2 एंड 3. स्पेस में आपने 2 और 3 का पोजिशन लिया हुआ है, मतलब आप 0 से कंपेयर में कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 और 3, इसका वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, जल्दी बताओ भाई साहब, 2 और 3, तो इधर से भाई साहब कितना आया, 2, एक्स एक्सिस का 2 और इधर का 3, है ना? तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए कितना आ गया, 2 3. द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 2 3, इसको हम क्या लिखेंगे, 2i + 3j कैप, 2i कैप + 3j कैप. तो ये हो गया 2i कैप + 3j कैप. o की, अच्छा अभी देखो o की पोजिशन क्या है, o क्या है, ये 0 0, मतलब इसमें i कैप की वैल्यू भी 0, j कैप की वैल्यू भी 0. तो आपका जो पोजिशन वेक्टर होगा, मतलब देखो ये p का क्या हो गया, 2i कैप + 3j कैप, o का क्या हो गया, oi कैप + तो op का भाई साहब क्या हो जाएगा, op विल बी पोजिशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ o, मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, माइनस कर दो 2, देखो i कैप से i कैप ही माइनस हो सकता है, j कैप माइनस नहीं हो सकता, k कैप से k कैप ही माइनस हो सकता है, जे कैप से जे कैप ही माइनस हो सकता है. तो आई कैप से आपने इस आई कैप को माइनस किया, कितना आया बच्चा बाटी, 2i कैप. 3j कैप से 0j कैप को माइनस किया, कितना आ जाएगा, 3j कैप. सो आपका op का वैल्यू कितना हो गया, 2i कैप + 3j कैप. op का मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फटाफट बताओ. अरे भाई साहब देखो, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये तो परपेंडिकुलर होना ही होना है. तो op विल बी इक्वल टू, सिंपल ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दो + 3 का स्क्वायर, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आपने यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपैरिजन में इसको किया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका 0 0, इसके कंपैरिजन में ये वेक्टर हो गया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, चलिए। और ये क्या हो गया, थैंक यू, क्यों हो गया भाई साहब? चलिए अभी हम बात करेंगे भाई साहब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की। ठीक है, वेक्टर्स में एडिशन कैसे करते हैं, लेट अस लर्न अबाउट बच्चा पार्टी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, अभी समझ लो कोई वेक्टर है, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड, भाई साहब अगर मैग्नीट्यूड इसका कितना है भाई साहब, 3 units है, ठीक है, एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स राइट, ये आपका एक वेक्टर हो गया, ठीक है, 3 units का। और कंसिडर अनदर वेक्टर पी क्यू, consider another vector PQ having magnitude 5 units and pointing towards right, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये PQ हो गया। आप इसको add कैसे करेंगे, इन दोनों vectors को add करना है, ये कितना है भाई साहब 5 units, तो क्या करेंगे इसको उठाकर इसमें डाल देंगे। तो vectors को हम add क्या करते हैं, fundamental क्या है, tail से मुंडी इसको हम add कर देंगे, ठीक है, A के B से tail से मुंडी और P के Q से tail से मुंडी, दोनों को add कर देंगे तो आपका 8 units आ जाएगा। ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है, सो आपका ए बी, तो ये हो गया आपका भाई साहब एक्स वाई, सो इट विल बी 8 units, सिंपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। रिजल्टेंट वेक्टर एक्स वाई हैज मैग्नीट्यूड 8 units एंड इट आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट, इट इज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट बच्चा पाड़ी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टू वेक्टर्स, एल्जेब्रिक सम मतलब 5 + 3, algebraic sum मतलब 5 + 3, ठीक है, so that will be basically 8 units। अगर मोटे मोटे दौर पे देखें हम, तो अगर समझ लो ये x axis पे movement हो रहा होगा, तो ये कितना होता था बोलो 3i cap, और x axis पे इसका भी movement हुआ है, तो कितना हो जाएगा बोलो 5i cap, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे बोलो 8i cap। आर वी हियरिंग दिस पीपल, आज समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर्स, भाई साहब एक्स वाई का जो डायरेक्शन है वही ए बी का भी है और वही पी क्यू का भी है, ये बहुत ही सिंपल सा एडिशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एडिशन है, ओके। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी भाई साहब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बोला कि अगर एक वेक्टर को आपने पॉजिटिव माना है तो दूसरे पैरेलल वेक्टर को जो एंटी पैरेलल है उसको आप क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो जब आप ऐड करेंगे अगेन क्या होगा, एल्जेब्रिक सम, मतलब ये नेगेटिव वेक्टर अपना नेगेटिव साइन लेकर ऐड होगा, ठीक है, समझ लो भाई साहब। अगर इस तरफ है आपका 5i cap, ठीक है, और इधर एक वेक्टर जा रहा है बराबर एंटी डायरेक्शन में, लेट से इसका है 3i cap, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5i cap - 3i cap होगा भाई साहब, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक को पॉजिटिव लिया है आपने, दूसरे को आपको मतलब नेगेटिव लेना ही पड़ेगा मैंडेटरीली, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच पीपल आर, दिस विल बी 2i cap, आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। So consider a vector AB having magnitude 3 units and pointing towards left. तो आपका ये हो गया AB 3 units, ठीक है? Left की तरफ है। जिसको भी देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आपको negative लेना है, आपके ऊपर है। एक को आपने negative positive लिया है तो दूसरे को आपको negative लेना पड़ेगा। ये fundamental है। ये सबके लिए applicable है, ठीक है? आज किसको ऑन करना भाई? हाथ जाएगा क्या? अब्बास। ये fundamentally जरूर है कि आप भाई साहब एक को अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 units। कंसीडर वेक्टर पी क्यू हैविंग मैग्नीट्यूड 5 units एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, तो आपका भाई साहब ये हो गया पी क्यू 5 units, ठीक है, ओके। नाउ इफ वी हैपन टू ऐड देम, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज द एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, 3 से -5 करो या 5 से 3 - करो, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा भाई साहब, डायरेक्शन विल बी ऑन द वेक्टर ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स वाई, तो आपका एक्स वाई हो जाएगा ये, ठीक है, दैट विल बी 5 - 3, दैट इज 2 units। तो जो भी वेक्टर ज्यादा पावरफुल होगा या जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दो लोग आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा फोर्स दोनों का मूवमेंट उसी तरफ हो जाएगा, है ना, ओके, सो दिस विल बी 2 units। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो a माइनस b को देखो, सब्ट्रैक्शन मतलब एक तरफ का एडिशन ही हुआ। अगर मैं वेक्टर a से वेक्टर b को माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर a को वेक्टर b के नेगेटिव से ऐड कर रहा हूं, वेक्टर a को वेक्टर b के नेगेटिव से ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी a वेक्टर, ये हो गया आपका b वेक्टर, तो ये हो गया आपका माइनस b वेक्टर, ये हो गया आपका a वेक्टर,
ये हो गया आपका, देखो समझ में आ रहा है, देखो ये एक वेक्टर ए है और ये भाई साहब एक वेक्टर बी है, ठीक है। आपको करना क्या है, ए माइनस बी करना है, तो आप वेक्टर बी को उल्टा कर दो ऐसे, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसके टेल से इसकी मुंडी, इसके टेल से इसकी मुंडी, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट। तो देखो ये वाला एक वेक्टर ए था ओरिजिनली, और ये वाला आपका है वेक्टर बी, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। व्हाट यू हैव टू डू हियर इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको भाई साहब माइनस बना लूं, इसको माइनस बना लूं, मतलब उसको उल्टा कर दो, एकदम एंटी पैरेलल कर दो। ये अगर इस तरफ है तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। अभी ये हो गया ए और ये हो गया आपका क्या, माइनस बी। इन दोनों को ऐड कर रहे हो, देखो यहां पे टेल से मुंडी, टेल से मुंडी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर की मुंडी तक, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, दैट विल बी ए माइनस बी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वेक्टर एडिशन ऑबेस कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए के साथ बी को ऐड करो या बी के साथ भाई साहब ए को ऐड करो, इट विल बी द सेम, ठीक है। ए के साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ नहीं करेगा, ठीक है। S मतलब होता है आपका रिजल्टेंट, आई विल जस्ट शो यू, ठीक है, समझो समझो समझो। लेट्स गो टू दिस हियर, ये हो गया, समझ लीजिए आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है भाई साहब, ठीक है, ओके। और समझो यहां पे है तुम्हारा वेक्टर बी, इधर है तुम्हारा भाई साहब वेक्टर बी। अभी तुमने क्या देखा भाई साहब, वेक्टर ए से अगर मुझे वेक्टर बी को ऐड करना है, सो व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, आई सिलेक्ट दिस और इसको भाई साहब लेकर जाते हैं और ये डाल दिया मैंने इधर, टेल से मुंडी, टेल से मुंडी, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके टेल से मुंडी, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका हो गया बी, समझ में आ रहा है ये, सिंपल, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि बी प्लस ए करो, ठीक है, बी प्लस ए करो, चलो कर लो भाई साहब, क्या जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा बी है। तो अभी बी प्लस ए मतलब पहले तुमने कौन सा वेक्टर पहले लोगे, ये बी, ए को क्या करोगे भाई साहब, यहां पर डालो, है ना भाई, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इस एरर को भूल जाओ। अभी तुम्हारा क्या होगा, देखो टेल से मुंडी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे टेल से मुंडी, वही सेम डायरेक्शन हो गई भाई साहब, देखो इन दोनों वेक्टर्स का, कौन से वेक्टर्स का, ये वाला और ये वाला, सेम लेंथ होगा और सेम डायरेक्शन भी है कि नहीं, ए प्लस बी सेम डायरेक्शन भी है, ये दोनों सेम लेंथ के हैं और सेम डायरेक्शन के हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी भाई साहब, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये मामला समझ में आ रहा है नहीं, okay. फिर से देख लो, ठीक है, देखो देखो यहां पे क्या है भाई साहब, आपका एक वेक्टर है विच इज वेक्टर ए, ठीक है, और यहां पे आपका एक वेक्टर है विच इज वेक्टर बी, चलो हम इसको पहले इंडिपेंडेंट रखते हैं यहां पे, ठीक है, लेट्स से वी आर कीपिंग इट हियर, ये आपका वेक्टर बी है, हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका रिजल्टेंट निकालना है, एस भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, राइट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, इसको उठाएंगे और इधर डाल दो भाई साहब, ठीक है, टेल से मुंडी, टेल से मुंडी। अभी भाई साहब क्या करना है, इसके टेल से इसके मुंडी को कनेक्ट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस 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 वेक्टर बी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, हो गया ये, ओके, ठीक है। अभी लेट्स से आपका ये वेक्टर बी है ना, वही है, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है, और ये हो गया आपका वेक्टर ए। मुझे अभी अगर मुझे अभी ये करना है, देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, ए को शिफ्ट कर दो, तो अभी आपका पहला वेक्टर कौन है,
बी, तो बी के टेल से मुंडी, अब इसको शिफ्ट करो भाई साहब, ये आ गया आपका इधर, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, ये आपका हो गया बी टू, ठीक है। तो अभी आप इसको अगर ऐड करोगे तो मतलब आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका टेल से इसका मुंडी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बच्चा वाली, बी प्लस ए। भाई ध्यान से देखो दोनों को, इसको देखो और इसको देखो, लेंथ सेम डायरेक्शन सेम, तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बच्चा पार्टी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो आपका हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके okay. अभी हम आते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके okay. अभी हम आते हैं भाई साहब इस पे, चले जैसे आपका ये हो गया ए, अभी आपको क्या करना है, माइनस बी करना है, ठीक है, ए माइनस बी करना है भाई साहब, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। चलो अभी हम देखते हैं भाई साहब इस वेक्टर को, ये आपका वी वेक्टर कहीं पे पड़ा हुआ, ये समझ लीजिए आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, इस बी वेक्टर का उल्टा निकालोगे, है ना, तो आप इसको कर दोगे भाई साहब, इसको कर दोगे उल्टा, है ना, ये हो गया उल्टा, और वही वही चीज है, देखो टेल से मुंडी, है ना भाई, टेल से मुंडी, टेल से मुंडी, ये क्या हो गया अभी, अभी ये बी नहीं रहा, ये हो जाएगा माइनस बी, इसके टेल से इसके मुंडी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसके टेल से इसके मुंडी को ज्वाइन कर दो भाई साहब, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, अब कर लो तुम बी माइनस ए, ठीक है। चलिए तो तुम्हारा बी वेक्टर पहले किस तरफ था भाई साहब, इस तरफ था, ठीक है, अभी तुमने ए वेक्टर इस तरफ लिया था, तो अभी इसका उल्टा लेना पड़ेगा, है ना, तो अभी कर लो भाई साहब बी का ए का वेक्टर 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 वेक्टर, तो ये हो गया माइनस ए, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, माइनस ए, दिस विल बी वेक्टर बी, ठीक है, और तुम कर लो भाई साहब ज्वाइन इसको, तुम इसको ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, दिस रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे हमने इसको आर डैश लिखा, दिस विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला इधर से इधर जा रहा है, ये वाला इधर से इधर जा रहा है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऑब्वियसली नॉट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। आर वी गेटिंग दिस पीपल, आप समझ में आ रहा है ये, कैसे इक्वल होगा, तुम देखो ये इसका किधर से किधर है, इधर से टेल से मुंडी, और इसका देखो इधर से टेल से मुंडी, कहाँ इक्वल हुआ, इसका डायरेक्शन ही देखो एंटी पैरल हो गया है, डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो गया है, ठीक है, ये वाला क्या है ए, और ये वाला क्या है माइनस बी, तो ये हुआ ए माइनस बी, ये वाला क्या है बी, और ये क्या हो गया माइनस ए, तो आप अभी इधर से इधर जा रहे हैं, इस वाले में आप इधर से इधर आ रहे हैं, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन देखो और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन देखो, अलग एकदम पूरा, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, अगर नहीं इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला ए माइनस बी भाई साहब ये वाले बी माइनस ए के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, अरे क्या, ओहो हो, हमको तो जाना पड़ेगा वापस, चलिए ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल मेथड, बहुत ही मतलब ये एकदम बकवास वाला मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें ना आपको सिर्फ एक आइडिया होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, कुछ नहीं है आपका ट्रायंगुलर लॉ में बेसिकली होगा क्या, समझ लो ये एक वेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ ये आपका ए वेक्टर हो गया, और ये समझ लो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है भाई साहब एक आपका वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ले जाके इधर लगा देंगे, ठीक है, तो ये प्लेस्ड इट हियर, नाउ ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ये रिजल्टेंट हो गया आपका, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक हो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे समझो ये कोई नदी है,
तो अपना यूसुफ भाई भाई साहब इधर है, ठीक है, ही हैज टू रीच एट दिस पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक, ठीक है, द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ही स्टार्ट्स स्विमिंग, विल ही बी एबल टू लैंड अप हियर, सोचिए बताइए भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है लेकिन रिवर तो इसको स्पीड में इधर लेकर जाएगी ना, तो वो कहां पे लैंड अप करेगा, ही विल लैंड अप समवेयर हियर, है ना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, व्हाई हैज दिस हैपेंड, बिकॉज दिस इज हिज वेक्टर, ये हो गया उसका वेक्टर विथ विच ही इज स्विमिंग, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रीम का वेक्टर, तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट इधर आ गया, देखो टेल से मुंडी और ये हो गया टेल से मुंडी, ये आपका स्ट्रीम इस तरफ बह रहा है, ठीक है, तो इसीलिए आपका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, तो ये आप देखो ये वाला जो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये बहुत ही फीका सा है, क्योंकि इसमें ना ही आप मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पीपल, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी डन हियर, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, ना ही मैग्नीट्यूड को लेकर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ना ही डायरेक्शन को लेकर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, नीदर यू कैन डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, नॉर यू कैन डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है, सो मोटे मोटे तौर पर आपको एक डायरेक्शन का मालूम अंदाजा होता है, ठीक है, कि ये डायरेक्शन होगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो दिस इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, तो एक हो गया आपका ट्रायंगुलर लॉ, एक हो गया आपका पॉलीगॉन लॉ, और दूसरा हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ का मैं बता देता हूं आपको, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, समझ लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स है, तो ये हो गया ए, ये हो गया भाई साहब बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि भाई साहब इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझ लेते हैं, चलो चलिए पॉलीगॉन लॉ को समझते हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ को समझते हैं इधर, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सो लेट्स से आपका ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, लेट्स से ये एक दूसरा वेक्टर हो गया, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, लेट्स से ये एक वेक्टर हो गया, लेट्स से दिस इज वेक्टर सी, ठीक है, लेट्स से ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, लेट्स से वेक्टर डी, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सारे वेक्टर्स को आप एक के बाद एक सजा लेंगे तो आपको लास्ट वाला जो वेक्टर मिलेगा वही इसका एडिशन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमको ए से हमने इसको ए और बी को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहां पे जस्ट इसकी मुंडी पे हमने रख दिया वेक्टर बी, ठीक है, अभी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बताओ, इसका रिजल्टेंट भाई साहब, हाँ बोलो, क्या स्मार्ट है तू, ठीक है, घूमी घूमी करके आओ जरा, ठीक है, ए क्या और ये हो गया आपका बी क्या, नहीं आपका नहीं है, ठीक है, हो गया भाई साहब, ये वाला रिजल्टेंट बताओ क्या हो जाएगा, दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, आर बी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके चलिए अभी हमको भाई साहब सी को ऐड करना है, ठीक है, तो ये सी को उठाते हैं अभी हम, भाई साहब यहां पे रख दिया हमने, ठीक है, आर बी गेटिंग दिस पीपल, अरे ओ पीपल पीपल आर बी गेटिंग दिस पीपल, ये हो गया आपका सी वेक्टर, ठीक है, मुझे बताओ ये वाला वेक्टर आपका क्या है, ए प्लस बी, अभी अगर मैंने यहां पे इसको ज्वाइन कर दिया बच्चा पार्टी, इसको ज्वाइन कर दिया, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स से हम इसको आर डैश लिख रहे हैं, आर डैश, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ए प्लस बी है और ये हो गया सी, देखो टेल से मुंडी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, आर बी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके चलिए अभी हम भाई साहब फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, इस डी को सिलेक्ट करते हैं और इस डी को लाते हैं भाई साहब इधर, ठीक है, इस डी को हम लाते हैं भाई साहब इधर, तो आपका ये क्या हो गया बोलो, डी वेक्टर, नाउ वी आर डूइंग इज वी आर ज्वाइनिंग दिस, ठीक है, मुझे बताओ अभी ये वाला वेक्टर का क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, आर
लेट्स से डैश डैश लिख दिया हमने, ये ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है टेल से मुंडी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी ये टेल से मुंडी है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो इसी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर पॉलीगॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, अगर आपके भाई साहब ऐसे साइड्स को हम अरेंज कर देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, पूजा उसको बदल दो, तो आपका पॉलीगॉन वेक्टर आ जाएगा। दिस इज बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का होता है? अरे बच्चा पार्टी का होता है, चलिए समझ लेते हैं इसको। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपका भाई साहब समझ लो ये एक वेक्टर है ए, और हमने कहीं से एक और वेक्टर जुगाड़ किया भाई साहब ये, ठीक है। अभी अभी समझो इसको, तो समझ लो हमारा जो ए है ना, इस बार हमने इसको इधर ना रख के इसको हमने रखा इधर, अभी हमने टेल से मुंडी कनेक्ट नहीं किया। देखो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, टेल से मुंडी कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ना ही पॉलीगॉन लॉ में और ना ही ट्रायंगुलर लॉ में आप मैथमेटिकली डायरेक्शन निकाल सकते हैं और ना ही उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन और इसमें ट्रायंगल में इसमें आप निकाल सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो हैव अ वेरी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दिस। अभी हमने लेट से इसका एक रेप्लिका लिया, ठीक है, एकदम क्लोन लिया इसका, और इसको भाई साहब इधर जोड़ दिया, है ना, ठीक है, क्लियर है, एकदम वही हूबहू इसका हमने एक क्लोन क्रिएट किया, ठीक है, और इसको भाई साहब इधर जोड़ दिया। मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं? इसका डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम तो पैरेलल हो गए, इसका डायरेक्शन सेम, इसका डायरेक्शन सेम तो पैरेलल हो गए, इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी ऑल्सो वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो दिस विल बी ऑल्सो वेक्टर ए, है कि नहीं, ठीक है, ओके। अभी देखो ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करो, टेल से मुंडी, टेल से मुंडी, तो अभी इस टेल से इस मुंडी को कनेक्ट कर दो, इस टेल से भाई साहब इस मुंडी को कनेक्ट कर दो। व्हाट आर यू गेटिंग पीपल? आर दिस इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो ये आपका रिजल्टेंट है। अभी इस रिजल्टेंट का हम वैल्यू भी निकालेंगे और इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं भाई साहब डायरेक्शन की, ठीक है, पहले हम बात करते हैं वैल्यू की। यहाँ पे लेट से इन दोनों के बीच में, लेट से इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, लेट से ए और बी के बीच में हमने टेल टू टेल रखा है, ऐसे टेल टू हेड नहीं रखा है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं भाई साहब, यहां से डालते हैं एक परपेंडिकुलर इधर, और इधर से डालते हैं एक परपेंडिकुलर इधर, ठीक है, क्लियर है, डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपस में, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। मुझे बताओ ये वाला आपका कौन सा वेक्टर है? दिस वेक्टर इज वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी, है कि नहीं, मॉड ऑफ बी। तो मैं इसको, इसको क्या लिख सकता हूँ, इस लेंथ को, इस लेंथ को लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स याद करो थोड़ा सा, अगर दो लाइन्स पैरेलल होते हैं, ट्रांसवर्सल तुमने ड्रॉ किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, तो वैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। फिजिक्स में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, आपने थीटा यहाँ लिखा और थीटा वहाँ लिखा, इट इज अंडरस्टूड, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इसका लेंथ हो गया, ठीक है, इस वाले पोर्शन का। चलिए हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, तो आपका जो क्यू आर है दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्यू आर जो लेंथ है, ठीक है, क्लियर है। अभी हम आते हैं इन, इन देखो यहाँ पे ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस डेरिवेशन को आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको डिराइव करने में आपको एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये डेरिवेशन देख लो, फिजिक्स में डेरिवेशन नेट टू नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स आपको सीखना है ना, तो डेरिवेशन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फॉर्मुलेज इतने हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है उन फॉर्मुलेज को याद रखना, और अगर आप याद भी रखोगे तो सवाल में ऐसे ट्विस्ट एंड ट्विक कर देंगे कि आपका गलत हो ही जाएगा। तो रट के आप फिजिक्स क्रैक नहीं कर सकते, लेट दैट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसीलिए डेरिवेशन के एकदम जड़ तक जाओ, और पहले से ही नस को पकड़ो, ठीक है, पहले से ही एकदम डेरिवेशन के जड़ तक जाओ, हर एक डेरिवेशन के छोटे से छोटे। ये आप समझ लो पहला डेरिवेशन है आपके फिजिक्स का, पहला डेरिवेशन है आपके पूरे
फिजिक्स में ये पहला डेरिवेशन है, सो पे स्पेशल इंपॉर्टेंस टू दिस बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. ओके चलिए, इन ट्रायंगल, अभी लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया एस, ठीक है, इन ट्रायंगल आर क्यू एस, इन ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, देखो ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये वाला साइड आपका क्या हो गया, कौन सा क्यू आर हो गया आपका, हाइपोटन्यूज, और क्यू एस क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस, क्लियर क्लियर क्लियर, परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज बेस. साइन थीटा अगर थोड़ा सा आप याद करें तो क्या है बच्चा पार्टी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है आर एस, चलिए परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिखते हैं आर एस, हाइपोटन्यूज यहां पे क्या है भाई साहब क्यू आर, क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ बी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ओके. तो साइन थीटा को क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, दिस विल बी आर एस अपॉन क्यू आर, दैट इज मॉड ऑफ बी, आर बी क्लियर, तो आपका आर एस बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, आर एस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मतलब इस आर एस को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये आ गया आर एस की वैल्यू, वेक्टर नहीं है ये, स्केलर सिर्फ, ठीक है. चलिए अभी हम आते हैं इसमें, देखो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू ले, कॉस थीटा क्या होता है बोलो, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, क्लियर, बेस यहां पे आपका कितना है क्यू एस, करेक्ट, ओके, हाइपोटन्यूज क्या है क्यू आर, अगेन इस क्यू आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो मॉड ऑफ बी, क्यू एस की जगह पे आपने क्यू एस ही लिखा, तो ये मॉड ऑफ बी को इधर ट्रांसफर करो, क्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका कितना हो गया बोलो, दिस विल बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका कितना बोलो, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है, ये वाला लेंथ आपको मिल गया, ये वाला लेंथ आपको मिल गया. अभी हम भाई साहब किस में आएंगे, इस वाले ट्राइंगल पे आएंगे, इस वाले ट्राइंगल पे, दैट इज इन ट्राइंगल पी एस या पी आर एस, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है, ओके. यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बोलो कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, ओके, पी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके. पी क्यू देखो, पी क्यू एज अ वेक्टर इज ए, तो आपका पी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा, ए मॉड, है कि नहीं, जैसे हमने बोला ये वेक्टर बी है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बी मॉड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ए मॉड पी क्यू, ए मॉड प्लस क्यू एस कितना है बोलो, बी, बी मॉड कॉस ऑफ थीटा, ध्यान दीजिएगा इधर, है ना भाई, अभी आपने निकाला क्यू एस की वैल्यू क्या है, b mod cos of theta, are we clear, crystal clear till here, ठीक है, okay, r s की जगह पे भाई साहब क्या लिखोगे, r s की जगह पे mod of b sin theta, are we getting this people, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, और इसका क्या, इसका भाई साहब square, ठीक है, इसका क्या, इसका भाई साहब square, ठीक है, बताइए इसका कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा मॉड ऑफ b cos थीटा, इसका भाई साहब स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b cos ऑफ थीटा, है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, a प्लस b का स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो a प्लस बी का भाई साहब स्क्वायर आपको कितना मिलता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिस भी फॉर्मेट में लिखें आप, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर कितना है बच्चा पार्टी, मॉड ऑफ बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसको स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, ओके, इधर कितना आया बोलो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2 mod of A mod of B cos theta plus mod of B का square sin square theta. इसको और इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, चलो mod of B square common ले लिया, अंदर क्या बचेगा बोलो, cos square theta plus sin square theta, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, और cos square theta plus sin square theta कितना होता है, 1, ठीक है, तो इसका मतलब इसको और इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है. चलो इस पे आते हैं हम, यहां पे दिस विल बी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस कितना बचा बोलो, 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, है ना भाई, इतना बचा. देखो ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, और इन दोनों का तो एडिशन हमने देखा भाई साहब कितना आ रहा है, दिस इज बेसिकली बी स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है. ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है, दिस आर का जो मॉड का स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, cos of theta, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और ये भाई साहब हो गया cos of theta, क्लियर है. दिस इज योर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भाई साहब, ध्यान देना यहां पे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब ये जो है ये वेक्टर फॉर्मेट नहीं है. अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, क्या ये सिलेक्ट होगा भाई साहब, क्या ये सिलेक्ट होगा, कहां से उठ के आ गया ये, ओके अरे वाह आगे 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 आगे, चलो भाई साहब इसको हम कर देते हैं इलोंगेट, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है. ओके चलिए अभी हम देखो यहां पे हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक एंगल बना रहा है लेट्स से अल्फा, ठीक है. अभी तुम इस वाले ट्राइंगल पे आओ, देखो पी एस आर इन ट्राइंगल पी आर एस टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, आर एस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, दैट इज पी एस, ठीक है. आर एस की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी है, मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा. पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू एस, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू एस, ठीक है. चलिए करते हैं भाई साहब इसका, मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा और पी क्यू की वैल्यू कितनी बोलो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है. तो आपका टैन अल्फा की ये वैल्यू हो गई, ठीक है. अरे अरे अभी एक खत्म नहीं, बाबा रे अभी ये 30% से नीचे नहीं जाएगा, चलो चलो कोई बात नहीं. तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. तो मुझे अगर अल्फा बोलना हो तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, टैन इनवर्स मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना भाई साहब, ये हो गया अल्फा. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया ये, और रिजल्टेंट का जो एंगल है, ठीक है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ये वाला वेक्टर, ध्यान देना ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर, विथ वेक्टर ए, ठीक है, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स. टैन इनवर्स क्या होता है समझ लो उसको, जैसे जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पे टैन 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1/√3, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स ऑफ 1/√3, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है. अगर मैं बोलूं भाई साहब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है. तो अगर दो वेक्टर्स हैं a एंड b
और इनके बीच में टेल से टेल जब कनेक्शन किया आपने तो एंगल कितना है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और इनका डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में हम क्या बोलेंगे, दैट मेक्स द रिजल्टेंट वेक्टर आर द रिजल्टेंट वेक्टर आर द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी सच दैट अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी बी नहीं यहां पे ए, ठीक है, सच दैट अल्फा इज टैन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। ये डेरिवेशन घर पे जाकर खुद से कीजिए, नहीं आ रहा होगा तो मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, देखकर कीजिए, लेकिन ये डेरिवेशन दिमाग में बैठा लीजिए, रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के फ्यूचर के डेरिवेशंस भी इसी पे डिपेंडेंट है, अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस डेरिवेशन इटसेल्फ, ठीक है। सो वेरी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस डेरिवेशन इटसेल्फ पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ पे विश्राम देंगे, आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है।